नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। कोरोना काल में पूरा देश कोरोना से परेशान है। ऐसे में जब से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आया, तभी से देश में लॉकडाउन लगा दी गई है। और तभी से यानी 14 मार्च से देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसी बीच जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच में 28 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया है। आप बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का विचार किया गया है। और जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक 28 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। यानी 9वीं से 12वीं तक के छात्र 28 सितंबर के बाद स्कूल जा पाएंगे। आपको बता दें कि जब से कोरोना संक्रमण ने देश में दस्तक दी थी, तभी से तमाम शैक्षणिक संस्थानों को कोरोना से बचाव के मद्देनजर बंद करने का निर्देश दिया गया था। और 14 मार्च से तमाम शैक्षणिक संस्थान, तमाम स्कूल बंद हैं और अब जाके स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी भी छोटे बच्चों का स्कूल नहीं ओपन होगा, सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल ओपन करने का निर्देश दिया गया है। इस मद्देनजर एक बैठक की गई। देखिए, भारत सरकार के गाइडलाइंस को दृष्टिपथ में रखते हुए आज प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दोनों निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि 28 तारीख मतलब नेक्स्ट मंडे से कक्षा 9 से 12 तक के को का संचालन प्रारंभ हो। इसके लिए जो SOP होगा वो ये होगा कि एक दिन में अधिकतम जो स्ट्रेंथ है उसका 1/3 बच्चे आएंगे। टीचर्स का जो स्ट्रेंथ है उसके 50% टीचर्स आएंगे। और एक व्यवस्था ऐसी होगी कि जो बच्चे जो मंडे को आ रहे हैं वो बच्चे फिर वो थर्सडे को आ गए, ट्यूसडे वाले बच्चे फ्राइडे को आ गए और वेडनेसडे वाले बच्चे सैटरडे को आ गए। मतलब सप्ताह में दो दिन, एक बच्चा सप्ताह में दो दिन आ सकते हैं। ये प्योरली वॉलेंट्री होगा, कोई दबाव नहीं होगा, पेरेंट्स के कंसेंट से बच्चे आएंगे। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों का सुरक्षा, जो COVID-19 के कारण बच्चे की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सभी SOP को पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में बच्चों का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ कराने के नीति के कारण प्रारंभ। प्रधान सचिव की उपस्थिति में ये बैठक की गई और बैठक के बाद सचिव ने ये जानकारी दी है कि 28 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल अब खुल जाएंगे। और फिर से एक बार बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी कोरोना के कारण, वो धीरे धीरे करके पटरी पे लौटती हुई दिखाई दे रही है। यानी 28 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसे ही कोरोना कंट्रोल हो गया तो फिर धीरे धीरे एक दो महीने में सभी कक्षाओं को ओपन किया जाएगा। और जो बच्चे लगातार अपने घर में हैं कोरोना संकट में, उन बच्चों को एक बार फिर से स्कूल जाने को मिलेगा। हालांकि कई बच्चे घर पे हैं और ऐसे में वो बच्चे स्कूल भी जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल फिलहाल बंद है। लेकिन 9वीं से 12वीं तक के कक्षा को ओपन करने का निर्देश सचिव ने दे दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।